प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर? क्लियर दिख रहा है सबको? ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है इंटीजर्स की? अगर ए और बी, अगर ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं, ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं तो ए प्लस बी भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। सीधी सी बात है, ए और बी कोई दो इंटीजर है, एनी वैल्यू, आप ए और बी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एनी, तो उनका जो एडिशन है ए प्लस बी वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है। लाइक ए आपका 2 है, बी आपका 1 है, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3। जब 2 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, तो 3 भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। सो द कंक्लूजन इज दैट दोनों नंबर अगर इंटीजर है तो उनका सम भी क्या हो जाएगा? एक इंटीजर होगा। ठीक है, आप वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। लाइक -2 - -1 होता तो ये हो जाता -3। सो द सिंपल प्रॉपर्टी इज If a and b are two integers, then their sum a plus b also a integer. Similarly, a minus b, इसी के साथ आप add कर सकते हैं a plus b और a minus b. ये भी क्या होगा? एक integer होगा. अगर उनका addition एक integer है, तो उनका subtraction भी क्या हो जाएगा? एक इंटीजर होगा। जैसे कि ए की वैल्यू ले लो 5, बी की वैल्यू ले लो 7, ए माइनस बी हो जाएगा आपका 5 - 7 विच गिव्स -2। ओके, -2 क्यों आया वो आपको पता है, 7 इज बिगर, छोटे में से बड़े को माइनस किया है, सो देर इज -2। ओके, सो द क्लोजर प्रॉपर्टी इज से, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि ए और बी अगर आपके कोई दो इंटीजर है तो उनका एडिशन भी एक इंटीजर होगा और उनका सब्ट्रैक्शन भी एक इंटीजर होगा। द इंटीजर इज मे बी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस। ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE। ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए और बी टू इंटीजर है, अगर ए और बी कोई दो इंटीजर है तो ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होगा। ओके, ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है, या अगर ये प्रूव हो जाता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब उसको प्रूव करती है। सो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि ए और बी अगर टू इंटीजर हैं तो ए प्लस बी वो बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। सो इन दैट कंडीशन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैज बीन एग्जिस्ट।
ओके, और अगर नहीं करती है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होगी। नहीं होने का मतलब अगर ये दोनों इक्वल ना हो, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होगी। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, इक्वल होनी चाहिए इन केस ऑफ एडिशन। ओके, पहले हम एडिशन में देखेंगे। मान लीजिए ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। फर्स्ट एलिजिस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, प्रूव करना है हमें ये दोनों इक्वल है या नहीं। सो ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 5, सिमिलरली बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 11, सम इज 16 और आर एच एस भी 16। आपका एल एच एस आर एच एस के इक्वल है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ये आपको चेक करना है, आपको वैल्यू अंदर गिवन होगी, आपको चेक करना होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर आपका एल एच एस आर एच एस के इक्वल होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। राइट डाउन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद हो गया तो आप प्रूव कर पाओगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। ओके, सो आपको लिखना है इन केस ऑफ एडिशन, आपको ब्रैकेट में लिखना है इन केस ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ एडिशन। क्यों करती है? देखो, पॉजिटिव जब आप इंटीजर लेते हो, एनी इंटीजर, मान लीजिए ए की वैल्यू में कोई बिग नंबर ले लूं लाइक 1109, ओके, और बी की वैल्यू ले लूं मैं 27, दोनों पॉजिटिव है। इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन की बात कर रही हूं मैं, ए की वैल्यू ले लो, बी की वैल्यू ले लो, दोनों को ऐड करो तो जो एलएचएस आएगा, मान लीजिए ए प्लस बी हो जाएगा आपका 1136, और सिमिलरली बी प्लस ए करो, ये हो गया ए प्लस बी 1109 और 27, दोनों को ऐड किया 1136, और बी प्लस ए करो, क्या फर्क पड़ता है वैल्यू अगर मैं आगे पीछे लिखूं तो? कोई फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, वैल्यू को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं करता। आप 2+3 करो या 3+2 करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इन केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर देयर इज नो चेंज, सो उस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ओके, अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर ले लें, अब चेक करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ए ले लो -9, बी ले लो 6, अब चेक करते हैं ए प्लस बी -9+6 इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, 6 प्लस ए की वैल्यू -9, -9+6, 6 में से 9 को माइनस करना है, या फिर 9 इज छोटे में से बड़ा, वैल्यू इज -3, और यहाँ पर भी 6 प्लस माइनस -9 विच गिव्स -3, क्या कोई फर्क पड़ा इन केस ऑफ एडिशन? क्या कोई फर्क पड़ा? वैल्यू को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैज बीन एग्जिस्ट। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। श्रेया, पावन? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी, बी माइनस ए, अब हमें क्या देखना है, ए माइनस बी और बी माइनस ए एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। लेट ए की वैल्यू ले लो 11, बी की वैल्यू ले लो 3, नाउ चेक ए माइनस बी, 11-3 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 11। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 11-3 बड़े में से छोटा क्या आ जाएगा, 8, छोटे में से बड़ा
माइनस 8। देखो वैल्यू दोनों जगह सेम आई, बट हियर इज पॉजिटिव हियर इज नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया चेंज। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, पॉजिटिव इंटीजर में एडिशन की केस में, सॉरी इन केस ऑफ एडिशन, अगर वैल्यूज को हम प्लेस करते हैं और मतलब ए प्लस बी करें बी प्लस ए करें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन यहाँ पर चेंजेस होता है। कैसे हो रहा है, देखो ए की वैल्यू ए माइनस बी किया तो 8 आया, बट बी माइनस ए किया तो माइनस 8 आया। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन यू हैव टू राइट डाउन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। सीधा लिख सकते हो आप, जब भी क्वेश्चन में गिवन हो चेक इट वेदर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट और नॉट। तो एडिशन में आप चेक कर सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन गिवन है तो वहां एग्जिस्ट नहीं करती है। सो क्लियर है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन पावन श्रेया, ओके गुड। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब इसमें आप थ्री इंटीजर्स लोगे, ए बी और सी आर थ्री इंटीजर्स, ठीक है, ए बी और सी आपके थ्री इंटीजर्स हैं, तो स्टेटमेंट है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस B प्लस सी के। देखो यस, क्या हुआ, सो स्टेटमेंट इज, देखो तीनों में हो रहा है एडिशन, यस यस, एनी प्रॉब्लम, शैल वी स्टार्ट। सो देखो तीनों में एडिशन ही हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, मैंने पहले ही बोला जब भी एडिशन के केस में वैल्यू आप आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, ब्रैकेट का रोल हो रहा है। पहले आपको LHS में ए प्लस बी को ऐड करना है और फिर सी को ऐड करना है, चाहो तो आप तीनों को ऐड कर लो एक साथ, लेकिन हमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले ए प्लस बी को ऐड करोगे देन सी, हियर RHS में पहले बी प्लस सी को ऐड करना है देन ए, दैट इज व्हाई वी यूज ब्रैकेट, ओके। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस 4, सी की वैल्यू 1, ओके। आई टेक ए इज 2, बी इज माइनस 4, सी इज 1। देखो मैं वैल्यू अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं। व्हेन एवर आई से कि ऐसे स्टेटमेंट जब ट्रू करने वाले LHS और RHS को इक्वल करने वाले होते हैं स्टेटमेंट, या मैं कहूँ कि वेरीफाई करो या मैं कहूँ कि प्रूव दे, तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी वैल्यू लेके प्रैक्टिस के फॉर्म में चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ, मैंने रेंडमली कोई नंबर ले लिया है, नाउ वी टेक LHS, वैल्यू रखो आप ब्रैकेट ए इज 2, बी इज माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज, ओके, प्लस सी इज 1 इज इक्वल्स टू ए इज 2 प्लस ब्रैकेट बी इज माइनस 4 प्लस सी इज 1, ओके। नाउ सॉल्व इट, फर्स्ट वी सॉल्व दिस ब्रैकेट, 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 4, क्योंकि आपका 4 क्या था, नेगेटिव था, एंड प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस व्हेनेवर यू ओपन द ब्रैकेट, ठीक है।
जब भी आप ब्रैकेट को ओपन करते हो, आगे भी जब आप पढ़ोगे आगे की क्लास में, अभी सेवन्थ क्लास में बहुत सी इक्वेशंस आएंगी, आपका थर्ड या फोर्थ चैप्टर ही है अलजेब्रिक इक्वेशन में, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत आती हैं, ब्रैकेट्स बहुत दिए होते हैं तो उसको सॉल्व करना होता है। तो वैन एवर यू ओपन द ब्रैकेट, यू ऑलवेज रिमाइंड दैट देर इज पॉजिटिव और नेगेटिव आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। जब भी आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो यू शुड हैव टू नोटिस दैट कि आगे क्या है, प्लस है या माइनस है, इस पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी इक्वेशन रॉन्ग कर देगी और आप कहोगे कि मेरा प्रूफ कभी आता ही नहीं है, मेरे से हमेशा मिस्टेक होती है, मुझसे हो ही नहीं रहा। तो वो होगा इसलिए नहीं, क्योंकि आप बार 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 उस चीज़ को रिपीटेड रॉन्गली कर रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है कि माइनस है, इसके अंदर की वैल्यू भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अंदर और बाहर दोनों की। बट द फर्स्ट थिंग इज वेन एवर यू ओपन द ब्रैकेट यू शुड हैव नोटिस दैट वॉट इज द साइन आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट, प्लस है और अंदर माइनस है तो भी माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस होता प्लस होता तो भी माइनस आता, क्योंकि आई से प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, अगर यहाँ प्लस है अंदर भी प्लस है तो प्लस आएगा, और अगर दोनों जगह माइनस है, इफ आई से यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये वैल्यू हो जाती प्लस। ओके, मैं इसलिए बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अभी से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज होता क्या है ना, आप सारा सही कर रहे हो, आप सॉल्व भी सही कर रहे हो, लेकिन ये प्लस माइनस की खातिर सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। दैट्स वाई आई से अगेन एंड अगेन, प्लीज नोटिस कि ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या साइन। ओके, सो यहाँ पे था प्लस और माइनस, सो टू माइनस फोर प्लस वन इज इक्वल टू टू प्लस, अब देखो अभी ब्रैकेट के अंदर है, माइनस फोर प्लस वन, टू माइनस फोर माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू टू प्लस माइनस फोर प्लस वन, कितना हो गया माइनस का थ्री, यहाँ पे माइनस टू प्लस वन कितना हो गया माइनस का वन, और यहाँ आ गया टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री, सो यहाँ पे आ गया माइनस का वन। देखो एल एच एस माइनस वन, आर एच एस माइनस वन, ये आप खुद से सॉल्व करो, मेरे से पहले आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए अगर आपको आता है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आगे नहीं बता पाऊंगी क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है, ठीक है। सो टू माइनस फोर माइनस टू प्लस वन, माइनस का टू प्लस वन, छोटे में से बड़ा माइनस है तो माइनस वन आया, यहाँ पे माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, वन में से फोर गया तो माइनस थ्री, टू प्लस माइनस माइनस तो टू माइनस थ्री माइनस वन, सो आपका एल एच एस आर एच एस के इक्वल है। सो इन केस ऑफ एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हैज बीन एग्जिस्ट करती है, इन केस ऑफ एडिशन यू शुड हैव रिमेंबर दिस थिंग, इन केस ऑफ एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हैज बीन एग्जिस्ट, ठीक है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। श्रेया, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल श्रेया, ओके, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, प्रूव ऑफ खुद करना, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, आपने अभी कम्युनिटी में देखा था a माइनस बी, बी माइनस ए इक्वल नहीं होता है, तो सेम थिंग यहाँ पे, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लेके चेक करना ये, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन कम्युटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आप लिख लीजिए नीचे नोट करके। जब भी मैं कुछ चीज़ें बोलूँ और आपको लगता है ना ये नोट करने जैसा है, तो आप फटाफट कर लीजिए कि मैम ने बोला था अपनी लैंग्वेज में। सी देयर इज़ वन थिंग कि देखो जब टीचर पढ़ाता है ना तो वो अपने तरीके से पढ़ाता है, और आपको वो चीज़ किस तरीके से लेना है वो इट्स अप टू डिपेंड ऑन यू, कि मैम ने बोला था लेकिन नहीं लिख पाए तो मैं लिख लूँ, ठीक है।
अंडरस्टैंड करने का हर किसी का अपना एक तरीका होता है। मान लीजिए पावन ने इस चीज़ को कैसे लिखा है, तो प्रीत ने इसको कैसे लिखा है, फातिमा ने इसको कैसे लिखा है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जो पॉइंट्स मैं बोलती हूँ, वो आप अपने तरीके से कैसे लिखते हैं। तो जब आप सॉल्यूशन करने लगेंगे, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप वापस वहाँ जाके देख सकते हैं कि मैम ने क्या बोला था, मैं भूल गया, मैम ने यहाँ पे कुछ बोला था लेकिन मैं भूल गया। तो आपको वो नोटिस करना है, नहीं तो क्या होगा, आप बार बार मुझे पूछेंगे, मैम मुझे तो ये समझ में नहीं आया था, कल आपने ये पढ़ाया था तो ये समझ में नहीं आया, मैं भूल गया। सो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस, व्हेनेवर आई से द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड हैव राइट डाउन, आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? देखो अभी कम्यूटेटिव में हुआ था, a माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल नहीं था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल नहीं था। क्यों नहीं था वो हमने चेक किया। द सेम केस इन एसोसिएटिव, a माइनस बी माइनस सी करूँ मैं और a माइनस बी माइनस सी, चेक करना ना कोई भी वैल्यू लेके, खुद से चेक करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा कि मैम ने सब बोला था तो मैं चेक तो करूँ कि होता है कि नहीं होता है। एग्जिस्ट नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? आप कोई भी वैल्यू ले लेना ए बी सी की और चेक करना, ठीक है। इक्वल ही नहीं होगा, एल एच एस आर एच एस की इक्वल नहीं आएगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज additive identity. The fourth property is additive additive identity. ये e है पीछे v के बाद, additive identity. ये property क्या होती है? Let अब इसमें सिर्फ एक integer use होगा, a को एक integer है, a is integer. Only use वन इंटीजर। क्या कहती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? ए प्लस जीरो इज इम्प्लाइज जीरो प्लस ए विच गिव्स ए। सीधी सी प्रॉपर्टी है, बहुत ईजी है। अगर आप किसी इंटीजर के साथ जीरो को ऐड करो, एनी नंबर, किसी भी नंबर के साथ आप जीरो को ऐड करते हो तो वही नंबर हमें वापस मिलता है, एनी नंबर, चाहे वो नंबर किसी भी फॉर्म में हो, इंटीजर हो, रियल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, एनी नंबर, ठीक है। सो एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि इफ़ ए इज़ वन इंटीजर, अगर ए को मैं ज़ीरो के साथ ऐड करूँ या ज़ीरो प्लस ए करूँ तो हमें क्या मिलता है, ए। सो ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। कहने का मतलब है कि मैं ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को ऐड करूँ तो वही नंबर हमें वापस मिलता है। तो ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो उस नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। ज़ीरो उस नंबर का, कौन सा नंबर, जो हमने लिया, एनी नंबर, ए इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, एनी नंबर, जो भी नंबर आपने लिया, लाइक 1 प्लस 0 करो, 11 प्लस 0 करो, माइनस 2 प्लस 0 करो, क्या आएगा, 1 प्लस 0 1, 11 प्लस 0 11, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, ठीक है, एनी नंबर। तो क्या आता है, हमें वही वैल्यू वापस मिल रही है। सो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 1, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 11, माइनस 2 इज कॉल्ड, सॉरी 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ माइनस 2, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आया,
स्टेटमेंट समझ में आया? यस श्रेया, ओके क्लियर है? एडिटिव आइडेंटिटी इट्स वेरी सिंपल, जीरो के साथ ऐड करना है किसी भी नंबर को। द लास्ट एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, ठीक है? देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और होना चाहिए आपके दिमाग में कि मैम एडिटिव आइडेंटिटी तो आया, सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी क्यों नहीं आया? नाम से क्लियर है एडिटिव का मतलब एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है? सो एडिटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ एडिशन, एडिटिव इनवर्स इन केस ऑफ एडिशन। क्योंकि अगर आप सब्ट्रैक्शन में देखो a माइनस जीरो जीरो माइनस a के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। कैसे? a की वैल्यू ले लो टू, टू माइनस जीरो आएगा टू, लेकिन जीरो माइनस टू क्या आएगा? माइनस टू, ठीक है? a माइनस जीरो करोगे, किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस करना है तो वही नंबर हमें वापस मिलता है, लेकिन जीरो के अंदर में से किसी नंबर को माइनस करते हो तो वह हमें नेगेटिव नंबर मिलता है। इज दैट क्लियर? दैट्स वाई वी हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन का केस लिया ही नहीं, क्योंकि वो इक्वल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस कर। यस यस पावन, आपने बोला ना क्लियर है कि नहीं? यस हाँ मैम, यस बोला। ओके यस गुड, वेरी गुड। पावन का रिस्पॉन्स हमेशा फास्ट होता है, बाकी बच्चे क्यों नहीं करते? यस एंड नो, आपको आपको कोई भी डाउट है ना यहीं पे क्लियर करो। देखो हम बेसिक से चल रहे हैं, मैं चाहती तो मैं इंटीजर का चैप्टर से तीन दिन में ख़त्म कर सकती, इतना बड़ा चैप्टर है ही नहीं है आपका, ठीक है? लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी डाउट क्लियर ना हो, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस आपको करनी है, अदरवाइज आप आगे जाके बोलोगे मैम प्लस माइनस क्या होगा हमें तो समझ में नहीं आया। मैं डायरेक्टली करूँगी, फिर नहीं बताऊँगी प्लस माइनस यहाँ पे था तो मैंने माइनस किया, या माइनस माइनस था तो मैंने प्लस किया। या आपको खुद को अज्यूम करना है, खुद को सॉल्व करना है कि मैम ने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा जब यहाँ ऊपर तो माइनस था, ठीक है? इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ, प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है, ठीक है? डाउट हो तो अभी क्लियर करना है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो नेटवर्क इशू होता ही होता है, ठीक है? लंबी क्लास चलती नहीं है, 40 मिनट्स की क्लास होती है, उसमें भी हम आगे पीछे हो जाते हैं। तीसरी बात, अब आपके इतने सारे डाउट्स होंगे तो मैं ना तो व्हाट्सएप पे सॉल्व कर पाऊंगी ना ऐसे सॉल्व कर पाऊंगी, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने हिसाब से मुझे भेजता है कि मैम मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही। सो मैक्सिमम ट्राई हमारा ये रहेगा कि हम लाइव क्लासेस में उस डाउट को सॉल्व करें, भले स्लोली चले लेकिन अच्छे से क्लियर करें, ओके? ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहता है लेट ए इज इंटीजर, ए कोई आपका इंटीजर है, देन माइनस ए विच गिव्स टू जीरो। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? पहले तो इनवर्स का मतलब क्या होता है वो समझो। इनवर्स मतलब अपोजिट, ठीक है? आप नॉर्मल लाइफ में भी ये वर्ड यूज करते होंगे इनवर्स। सो इनवर्स का जो सिनोनिम्स है वो कहलाता है अपोजिट। कह लो एडिटिव अपोजिट लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, बट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इट्स कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अपोजिट, देखो अपोजिट से समझ में आ जाना चाहिए आपको। ए एक इंटीजर है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस है, ठीक है? ए आपका कोई इंटीजर है तो उसका अपोजिट क्या होगा? माइनस है। पॉजिटिव नंबर का इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव नंबर। सो ए प्लस माइनस ए इज गिव टू जीरो, दैट इज कॉल्ड इन दिस केस ए प्लस माइनस ए इज गिव टू जीरो। सो माइनस ए इज कॉल्ड, सो
माइनस ए इज कॉल्ड